नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ASHOK की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम ASHOK सैनी है और आज के इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट सिस्टम से रिलेटेड 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर, जो कि इंटरव्यू एग्जाम्स की दृष्टि से, कॉम्पिटेटिव एग्जाम दृष्टि से और बेसिक नॉलेज इंक्रीज करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट सिस्टम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस, यानी इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मेजरमेंट या इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो समझ लेते हैं 20 ऑब्जेक्ट्स की है क्वेश्चंस की, कौन कौन से 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमने इस वीडियो के अंदर समाविष्ट किए हैं। देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चंस है। इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर मस्ट है कि ट्रांसड्यूसर के बारे में हमने लिया है। व्हाट इज ट्रांसड्यूसर सबसे अक्सर पूछ जाता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव आता है या पूछ जाता है डेफिनेशंस, तो इसमें क्वेश्चन है इट ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट। ट्रांसड्यूसर क्या कन्वर्ट करता है आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो इसके चार ऑप्शंस रहेंगे और हम आपको बता दें कि इसमें जो ब्लू वाला रहेगा वो इसका राइट आंसर रहेगा, लेकिन हम चारों को आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो ऑप्शन ए इसका दिया रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यह कन्वर्ट कर देता है या मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। तो ट्रांसड्यूसर एक ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी को वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म करता है, चाहे वो फिजिकल टू इलेक्ट्रिकल करे, इलेक्ट्रिकल टू फिजिकल करे या अदर फॉर्म में करे, यानी कि वन फॉर्म टू अदर फॉर्म में जो कन्वर्जन के लिए जिस डिवाइस को हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस तरीके से ये ट्रांसड्यूसर काम होता है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है इनवर्स ट्रांसड्यूसर। तो इनवर्स ट्रांसड्यूसर क्या करता है, जो ट्रांसड्यूसर करता है उसका अपोजिट करता है। ट्रांसड्यूसर करता है जनरली फिजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और यह वन फॉर्म टू अनदर करता है, लेकिन इनवर्स हमेशा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिजिकल सिग्नल में यानी कि अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो एन इनवर्स ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू टू एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये इसका राइट ऑप्शन रहेगा, वहाँ के अदर थ्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हैं। तो आपको बता दें ट्रांसड्यूसर दो प्रकार के जनरली होते हैं, एक्टिव पैसिव बात करें वैसे होते हैं, कई टाइप के होते हैं लेकिन एक्टिव और पैसिव की बात की जा रही है यहाँ पे। तो एक्टिव एंड पैसिव क्या होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर, इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो भी बनाई है आपको, इससे पहले हमने हमारे इस चैनल पर पब्लिश भी कर रखे हैं। तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर वह रहते हैं, वह ट्रांसड्यूसर है जिनको किसी एक्सटर्नल पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है अपनी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, और पैसिव ट्रांसड्यूसर वे ट्रांसड्यूसर होते हैं जो काम तो करते हैं, एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म तो कन्वर्ट करते हैं, बट उनको एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल पावर की रिक्वायरमेंट होती है एक्साइटमेंट के लिए, मतलब ऑपरेट होने के लिए। तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर आप समझ गए, ऐसे ट्रांसड्यूसर जिनको किसी अदर सोर्स की जरूरत नहीं है वो अपना काम करेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन चारों में से रहेगा। वैसे हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, स्ट्रेन गेज है क्या, सेल्सन है क्या, फोटोवोल्टिक सेल है क्या, फोटो एमिसिव सेल है क्या। तो राइट ऑप्शन रहेगा फोटोवोल्टिक सेल एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर को। कैसे होगा, फोटोवोल्टेइक पे लाइट हम जो रहता है इस पर लाइट डालते हैं, लाइट देते हैं, लाइट देने के बाद क्या होता है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी मिलीवोल्ट जनरेट करते हैं। ठीक है, बिना किसी एक्सटर्नल आपके सोर्स के, तो इसका इसको हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसड्यूसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर स्ट्रिप चार्ज रिकॉर्डर इज, जनरली इसके भी क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्ट, इसलिए मैं इसमें दे दिया है कि स्ट्रिप चार्ज रिकॉर्डर किस टाइप का, यानी एक्टिव ट्रांसड्यूसर है या आपका इनवर्स ट्रांसड्यूसर है या आउटपुट ट्रांसड्यूसर है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका राइट है डी, वी एंड सी, एन इनवर्स ट्रांसड्यूसर भी है एंड एक आउटपुट ट्रांसड्यूसर भी है, स्ट्रिप चार रिकॉर्डर। ठीक, क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं। कैपेसिटिव डिवाइस आर यूज फॉर लेवल मेजरमेंट ऑफ, ओनली लिक्विड में करते हैं, ओनली सॉलिड इन पाउडर फॉर्म में करते हैं, बोथ ए एंड वी, इसका राइट ऑप्शन रहेगा नन ऑफ दी। तो बोथ ए एंड वी इसका सही रहेगा, लिक्विड में यूज़ कर लेते हैं और सॉलिड पाउडर रहता है उसमें भी हम कैपेसिटिव डिवाइस का यूज़ कर लेते हैं लेवल मेजरमेंट में। क्वेश्चन नंबर सिक्स दे लेते हैं, इन अल्ट्रासोनिक लेवल गेज, अल्ट्रासोनिक लेवल गेज द अल्ट्रासोनिक सोर्स इज प्लेस्ड एट द, तो इसके लिए ऊपर भी हमने आपको वीडियो लेक्चर में बताया था अल्ट्रासोनिक लेवल गेज क्या है, किस तरीके से, यानी कि इसका हमारा जो टाइटल रहेगा वो हमने इससे ऑलरेडी पब्लिश वीडियो की उसमें है कि अल्ट्रासोनिक लेवल मेजरमेंट सिस्टम, तो आप देख सकते हैं कैसे काम करता है। तो इसके ऊपर ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इन अल्ट्रासोनिक लेवल गेज द अल्ट्रासोनिक सोर्स इज प्लेस्ड एट द, चार ऑप्शंस है ऐसा राइट ऑप्शंस। तो इसका फर्स्ट ही है, बॉटम ऑफ द वेजल्स कंटेनिंग द लिक्विड, टॉप ऑफ द वेजल्स कंटेनिंग ऑफ द लिक्विड, मिडिल ऑफ द वेजल्स कंटेनिंग द लिक्विड, फॉर
फार फॉर द वेजल्स कंटेनिंग, तो बॉटम में हम स्कैनिंग मतलब वेजल्स का जो रहता है उसकी बॉटम में हम अल्ट्रासोनिक लेवल गेज मेथड में अल्ट्रासोनिक सोर्स को हम प्लेस करते हैं, ताकि बॉटम में क्यों करते हैं जैसे मैं हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, जैसे ये बॉटम है आपका, यहाँ पे हम अल्ट्रासोनिक जो है आपका सोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस कर देते हैं और यहाँ पे जीएम काउंटर लगा देते हैं, गियर मूवर काउंटर हमने बताया था आपको, एक्सप्लेन किया है इसका बारे में। तो मान लीजिए कि आपका टैंक एम्प्टी है, तो यहाँ से जो रेज इमिट होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स जाएगी वो हाई इंटेंसिटी पहुँचेगी, यानी कि इसको ये काउंट कर लेगा, और जैसे जैसे इसमें लेवल बढ़ेगा टैंक में, तो लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, जो रेज निकल रही हैं, रेडिएशन आ रहा है अल्ट्रासोनिक का, उसको ऊपर पहुँचने में इंटेंसिटी कहने मतलब इसकी तीव्रता कम हो जाएगी, तो कम हो जाएगी तो क्या होगा, कम इंटेंसिटी आएगी, मतलब कि लेवल बढ़ेगा इंटेंसिटी कम, लेवल कम इंटेंसिटी ज़्यादा, इनवर्टली प्रोपोर्शनल रहती है। तो उसके बाद हम पता कर लेते हैं कि टैंक में कितना हमारा लिक्विड है जो भी है, इस कारण से हम बॉटम ऑफ द वेजल में अल्ट्रासोनिक सोर्स को क्या कर देते हैं, लगाते हैं। क्लियर समझ में आया होगा, एक्सप्लेन मैंने अच्छे से किया। क्वेश्चन नंबर 7 है, एंड रेडिएशंस मेथड जो आपकी है, द डिटेक्टर सिस्टम इज लोकेटेड एट, जो रेडिएशंस मेथड रहती है, लेवल मेजरमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लिक्विड लेवल इन रेडिएशंस मेथड ऑफ लेवल मेजरमेंट, ऐसे लिखना थी क्वेश्चन में, शॉर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। द डिटेक्टर सिस्टम इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द लिक्विड फिल टैंक, द बॉटम ऑफ द लिक्विड फिल टैंक, मिडिल ऑफ द लिक्विड फिल टैंक, या आउटसाइड ऑफ द लिक्विड। इसका राइट ऑप्शन रहेगा आउटसाइड ऑफ द लिक्विड टैंक, रेडिएशंस मेथड बात कर रहे हैं, आउटसाइड ऑफ द लिक्विड फिल टैंक। कैसे इसको भी हम बताएं आपको, ये टैंक है, इसके हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे आपका रेडिएशन सोर्स लगा देते हैं और IR रेस यहाँ से प्रोड्यूस होती है, और इसके बाद मान लीजिए आपका कि जो टैंक में लेवल है, तो यहाँ से यहीं यूँ कहें कि यहाँ ऊपर हमने लगा दिया, तो यहाँ से आपकी जो रेज आएगी इसमें कैसे, एक प्रकार का आपका ट्रांसमीटर रहता है और एक रिसीवर रहेगा, ठीक है, इस टाइप की हम आपके सुन गए। तो ट्रांसमीटर से जो रेज आएंगी निकल के, या से रेज आई और जो लेवल है उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस पहुंच जाएंगी रिसीवर के पास, तो आने और जाने में जो टाइम कंज्यूम होता है उससे हम पता कर लेते हैं कि टैंक में कितना लेवल है, कितना लिक्विड है। यदि टैंक आपका ज़्यादा फुल है तो रेज आई मतलब ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट की रेज और वापस आई, उसमें कम टाइम लगा मतलब टैंक फुल है, और टैंक एम्प्टी है तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, वो कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत ही कम सेकंड का टाइम रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें मेजर कर लेते हैं। हम ये बताना चाह रहे थे कि इसमें रेडिएशंस मेथड में डिटेक्टर सिस्टम इज लोकेटेड कहाँ पे, तो आउटसाइड ऑफ ए टैंक, लिक्विड टैंक के आउटसाइड रहता है डिटेक्टर, ठीक है, लेवल डिटेक्ट करने के लिए, अंदर नहीं रहता लिक्विड में कहीं भी, ये आपको लिखना है। तो राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर कैन बी डिजाइन टू मेजर, इलेक्ट्रॉनिक जो वोल्ट मीटर रहता है वो किसके लिए मेजर करते हैं, मेजर करने के लिए डिजाइन किया जाता है, तो यहाँ पे ओनली वेरी स्मॉल वोल्टेज, ओनली वेरी हाई वोल्टेज, बोथ वेरी स्मॉल एंड वेरी हाई वोल्टेज एंड नन ऑफ दीज, तो राइट ऑप्शन रहेगा वेरी हाई एंड वेरी स्मॉल, दोनों के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर को डिजाइन करते हैं, ऐसा नहीं कि लो वोल्टेज मेजर करेंगे या हाई करेंगे, दोनों के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स स्पायरल स्प्रिंग जो रहती है आर प्रोवाइडेड टू लीड करंट, प्रोड्यूसिंग कंट्रोलिंग टॉर्क, प्रोड्यूसिंग डैम्पिंग टॉर्क, और आपका राइट ऑप्शन तो इसमें रहेगा लीड करंट एंड प्रोड्यूसिंग कंट्रोलिंग टॉर्क, यानी लीड करंट भी देती है और आपका कंट्रोलिंग टॉर्क भी है, प्रोड्यूस करती है स्पायरल टाइप स्प्रिंग जो रहती है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 है, इलेक्ट्रोडायनेमिक इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड एज, इलेक्ट्रोडायनेमिक जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उनको किस तरह यूज़ करते हैं, एमीटर में करते हैं, वोल्टमीटर में करते हैं, वाटमीटर करते हैं, या ऑल ऑफ द एबव, तो ऑल ऑफ द एबव इसका राइट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, द इंस्ट्रूमेंट्स विच कैन बी यूज ओनली विद द डीसी सप्लाई इज, तो डीसी सप्लाई में जो यूज़ करते हैं सब तुरंत क्लियर हो जाएगा आपको कि राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए PMC इंस्ट्रूमेंट, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट ओनली यूज फॉर डीसी या डीसी सप्लाई के लिए, तो राइट ऑप्शन आप लगा सकते हैं, आधार पे आप ध्यान ही ना दें। क्वेश्चन नंबर 12 है, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स आर सूटेबल फॉर, तो AC एंड DC दोनों काम करेगा, राइट ऑप्शन कराएगा AC एंड DC में, AC ओनली DC ओनली नहीं, AC एंड DC कराएगा, हॉट वायर की बात की जा रही है, इस कारण से हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट जो रहता है AC एंड DC दोनों में सप्लाई में काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट्स आर जनरली यूज एज, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं वो जनरली उनको किस तरीके से यूज करते हैं, वैसे तो जनरली की बात की जा रही है, सभी में कर सकते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा वोल्टमीटर में जनरली हम इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, वैसे तो इसके ऑप्शन एमीटर भी है, करंट वाला, वाटमीटर भी है, वाट आवर मीटर भी है, लेकिन राइट ऑप्शन इसका वोल्टमीटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट आर जनरली यूज एज, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट तो आप चाहे करंट मेजर कर लो, वोल्टेज, पावर, कुछ भी कर सकते हैं, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर लगाना पड़ेगा ऑल ऑफ दीज, अमीटर में भी कर सकते हैं, वोल्टमीटर टाइप का भी रहता है, वाटमीटर यानी कि पावर, करंट मेजरमेंट,
वोल्टेज मेजरमेंट, पावर मेजरमेंट, वाट, ऑल ऑफ दीज इसका राइट ऑप्शन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 है मेगर। वाह मेगर आ गया। मेगर इज ए पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट, इट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ क्या? हाई रेजिस्टेंस। लगा दो, हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने में करते हैं मेगर का, प्लांट में, इंडस्ट्री में, जहाँ भी आपको जो आप केबलिंग करते हैं, हैवी हाई वोल्टेज की पावर केबल बिछाते हैं, बड़ी बड़ी मोटर रहती है उसमें केबल्स करते हैं, तो केबलिंग का सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेगरिंग करते हैं। मेगरिंग टेस्ट यानी कि उसका रेजिस्टेंस चेक करते हैं, केबल शॉर्ट तो नहीं है, तो उसके लिए हम मेगरिंग से ही चेक करते हैं, यानी कि हाई रेजिस्टेंस जो रहता है उसको मेगर हम मेगर से ही करते हैं, लो रेजिस्टेंस के लिए नहीं। क्लियर। इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, मेगर के लिए यूज करते हैं हम हाई रेजिस्टेंस में मेजर करने में। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, द इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज ओनली विद द एसी सप्लाई इज एयर। तो आपका इसमें इंडक्शन टाइप इसका राइट ऑप्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोडायनेमिक या ऑल ऑफ दिस तो नहीं लगाएंगे, तो क्योंकि क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज ओनली विद द एसी सप्लाई, तो इंडक्शन टाइप इसका राइट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, टर्बाइन मीटर आर जनरली प्रिपेयर फॉर, जो टर्बाइन मीटर रहता है आपका इंडस्ट्री में जनरली आपका जो है फ्लो मेजरमेंट में हम यूज़ करते हैं, तो द टर्बाइन मीटर आर जनरली यूज फॉर प्रिपेयर लो विस्कोसिटी एंड हाई फ्लो मेजरमेंट, या हाई विस्कोसिटी एंड लो फ्लो मेजरमेंट, या हाई विस्कोसिटी एंड हाई फ्लो मेजरमेंट, या फिर लो विस्कोसिटी एंड लो फ्लो मेजरमेंट। तो लो विस्कोसिटी एंड हाई फ्लो मेजरमेंट में हम जो है टर्बाइन फ्लो मीटर का जनरली का यूज़ करते हैं। लो विस्कोसिटी मतलब विस्कोसिटी लो होगी तो रीडिंग्स हमको अच्छी आएगी, आपका मीटर लॉन्ग लाइफ काम करेगा, और आपकी दूसरी बात फ्लो हाई होगा तो अच्छे से हमको रीडिंग मिल पाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, डिफ स्टिक्स आर जनरली यूज फॉर, डिफ स्टिक्स आपने देखा वो इंडस्ट्री में रहती है, डिफ स्टिक्स जो रहती है तो जनरली यूज़ क्या करेंगे? आप लेवल में ही करते हैं तो राइट ऑप्शंस लगा सकते हैं, डिफ स्टिक यूज हम लेवल मेजरमेंट में करते हैं, प्रेशर फ्लो डिस्प्लेसमेंट में नहीं करते, इसलिए इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 है, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू इज नोन एज एरर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, तो द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। एरर आपकी रिलेटिव, रैंडम, एब्सोल्यूट, सिस्टमैटिक, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा एब्सोल्यूट एरर होता है, इन दोनों का डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 20 है, रैंडम एरर इन ए मेजरमेंट सिस्टम आर ड्यू टू, रैंडम एरर जो होती है मेजरमेंट सिस्टम में किस कारण होती है? एनवायरमेंटल चेंज के कारण, या यूज ऑफ अनकैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट के कारण, या पुअर केबलिंग प्रैक्टिस कारण, या अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट। तो इसका अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट ही आंसर होगा, जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जो अचानक आ जाती है एरर, जिसकी पॉसिबिलिटी उस कारण से जो रैंडम एरर होती है, मतलब जो एरर होती है उसको हम बोलते हैं रैंडम एरर। ठीक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन रहेगा। तो ये हमारे यहाँ पर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट से रिलेटेड, जो कि हमने अब इसको वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस का हमने कलेक्शन से यहाँ पर समावेश किया, जो कि एग्जाम की दृष्टि से, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम दृष्टि से, इंटरव्यू की दृष्टि से, और बेसिक नॉलेज की दृष्टि इंक्रीज करने की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, जो कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट सिस्टम से रिलेटेड। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस की वीडियो हमने समावेश किया, कलेक्शंस किया, वो आपको समझ में आ गया होगा और अच्छा लगेगा, आपको एक हेल्प मिलेगी, नॉलेज इंक्रीज होगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस नॉलेज को ऐसे बढ़ाएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और आप चाहते हैं इसी प्रकार और अन्य वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे इस अशोक ETUTOR यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करने वाले देखिएगा बेल आइकन नोटिफिकेशन, उसको भी प्रेस कर दें, उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि हमारे इस चैनल के आपके नोटिफिकेशन ऑन हो जाएंगे, और हम इस चैनल पर जब भी न्यू वीडियो पब्लिश करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको क्या होगा, मिल जाएगा, आप अगली वीडियो भी देख पाएंगे आपके एंड्रॉयड मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो वीडियो यहीं स्टॉप करेंगे और मिलेंगे इस प्रकार की अन्य इंटरेस्टिंग एजुकेशन रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।